मैं स्वाति सुहाने, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन कुकिंग कल्चर। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी पापड़ी चाट। गर्मियों का मौसम है और सभी का शाम को कुछ हल्का फुल्का चटपटा चाट जैसा खाने का मन होने ही लगता है। तो हर रोज शाम को होने वाली चाट की क्रेविंग को आज हम पूरा करेंगे पापड़ी चाट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्टी पापड़ी चाट की रेसिपी, जिसके लिए बेसिकली हमें चाहिए पापड़ी और आलू, थोड़ी सी मीठी चटनी और आपकी पसंद का कोई भी एक नमकीन। तो सबसे पहले पापड़ी बनाने के लिए हम एक डो तैयार करेंगे, जिससे हम बनाएंगे पापड़ी चाट की पापड़ी। पापड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने व्हीट फ्लावर लिया है। जनरली इसे मैदे से बनाया जाता है, बट हम इसे हेल्दी बनाने के लिए व्हीट फ्लावर से बनाएंगे। 2 कप आटे में हमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून अजवाइन, साथ ही इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। और अब इसमें हम ऐड करेंगे मोयन। मोयन के लिए मैंने यहाँ पे घी लिया है, क्योंकि घी से पापड़ी में एक अलग ही खस्तापन आता है। तो मैंने यहाँ पर 2 कप आटे में 3 टेबल स्पून घी यूज़ किया है। घी इज़ नॉट कंपल्सरी, तो आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, फिर इससे बनेंगी एकदम टेस्टी और क्रिस्पी पापड़ी, जिन्हें आप स्टोर करके 1 महीने के लिए भी रख सकते हैं। जब मन हो तो ये पापड़ी चाट बनाकर आप खा सकते हैं, क्योंकि घर की बनी पापड़ी खराब नहीं होती, इसलिए इसे आप इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। आज की जो पापड़ी है वो बनेंगी टोटली व्हीट फ्लावर से, तो ये हेल्दी भी है। और अगर आप चाहें तो 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी ऐड कर सकते हैं। मोयन ऐड करने के बाद आटे को हाथ में लेकर बांध कर देखें। अगर इसमें थोड़ा सा बंधाव है, मीन्स मोयन एकदम परफेक्ट है। अब इस आटे से हम बनाएंगे एकदम सॉफ्ट डो, जिसे हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे, फिर उसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर बेलकर तैयार करेंगे। इसे हमें एकदम बड़ी पूड़ी की तरह बेलना है। ध्यान रहे इसे पतला ही बेलें, लाइक पूड़ी से हल्का सा मोटा हमें इसे रखना है। ये देखिए पूड़ी बेलकर तैयार है। अब इसमें हमें एक फोक की हेल्प से छेद करना है, ताकि ये जब कढ़ाई में जाए तो फूले ना। छेद करने के बाद इसे हम एक राउंड कटर से कट करेंगे, ताकि सभी पापड़ी इक्वल साइज में बने। अगर आपके पास राउंड कटर ना हो तो आप किसी भी डब्बी का ढक्कन ले सकते हैं, छोटी कटोरी या छोटे ग्लास से भी इसे कट कर सकते हैं। ये लीजिए पापड़ी बनकर तैयार है। अब इन्हें हम फ्राई भी कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हीट ऑयल चाहिए। पापड़ी को हम मीडियम हीट ऑयल में डालेंगे और फिर मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इन्हें सेक कर तैयार करेंगे। ये पापड़ी चाट खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं और जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। जब भी कभी आपके घर में किसी गेस्ट का आना हो और इंस्टेंट कुछ बनाना हो, तो आप ये पापड़ी बनाकर रख सकते हैं, तुरंत इसकी चाट बनाकर सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ पापड़ी चाट को सेव पूरी कहा जाता है। आप लोग इस पापड़ी चाट को किस नाम से बुलाते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक बैच की पापड़ी सिककर तैयार हो चुकी है, तो इसी तरह हम सेव पूरी के लिए दूसरे बैच की पापड़ी भी सिककर तैयार करेंगे। और सेम प्रोसेस से हमें सारी पापड़ी बनाकर रखना है। तो ये लीजिए पापड़ी बनकर तैयार है। सेव पूरी के लिए हमें चाहिए सेव, पापड़ी, आलू और मीठी चटनी। ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है और पतली भी है। बहुत मोटी पापड़ी को च्यू करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए पापड़ी पतली ही बनाएं। पापड़ी रेडी है और आलू भी हमारे पास पहले से ही बॉयल रखे हुए हैं। अब इन सब पापड़ी के ऊपर हमें थोड़ा थोड़ा मैश्ड पोटैटो रखना है। ये मैंने उबला हुआ आलू अच्छे से मैश कर लिया है, इसे हम पापड़ी के ऊपर रखेंगे।
अब इसके ऊपर से हम ऐड करेंगे थोड़ी सी चॉप की हुई ककड़ी। आप चाहें तो इसे स्लाइस कट करके भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा भुना हुआ दरदरा जीरा, थोड़ा सा काला नमक, बिल्कुल थोड़ा सा चाट मसाला, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी ऑप्शनल है, अगर ना हो तो स्किप कर दें। सिर्फ मीठी चटनी से भी ये पापड़ी बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसके ऊपर से डालेंगे हम थोड़ी सी कटी हुई अनियन, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद ना हो तो स्किप कर दें। अब इसके ऊपर से जाएगी ये मीठी इमली वाली चटनी, जो कि जनरली हम चाट में और दही भल्ले में यूज़ करते हैं। और अब लास्ट में जाएगा इसमें ऊपर से थोड़ा सा मिक्सचर। आप कोई भी नमकीन ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बारीक सेव ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो वो नमकीन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। क्योंकि चाट का मतलब ही है चटपटे मसाले और चटपटी चटनियाँ। जब ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं तो बनती है एक परफेक्ट टेस्टी चाट। सो फाइनली टेस्टी पापड़ी चाट या सेव पूरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है, इसे आप कभी भी किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस रेसिपी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।